there is an amplified guitar. It would be better to use that one if it is there. First of all, we greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's wonderful to be with you to celebrate this wonderful day, the day we receive our independence as a country, as a nation, in 1947. Today, as we celebrate this, we not only celebrate political freedom, but we also celebrate the social freedom, the economic freedom, and the freedom from sin, especially in our Lord Jesus Christ. So, as we celebrate this day, I want to sing to you the song that goes, I have tasted the freedom, I can go where he's leading, for shackles can hold me no more. I have learned of life's essence as I stand in his presence, and I sing with my heart, he is Lord. Today we stand in the presence of our Lord and we celebrate freedom. We celebrate independence, not only from the shackles of foreign rule, but also from the shackles of sin that has put us on bondage. And we celebrate that freedom in the Lord, and we praise God for that. Hallelujah. Hallelujah. If you know the song, you can sing along, it will be wonderful. I have tasted the freedom, I can go where it's leading, for shackles can hold. This wonderful song. अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने. परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा निर्गमन, उसका 6 अध्याय 2 से 13 पद तक. Exodus chapter 6, 2 to 13. आप में से कोई भी
पुराने नियम में से पढ़ेंगे निर्गमन 6, उसकी निर्गमन 6 बाप उसकी 2 आयत से 13 आयत तक, निर्गमन 6 बाप उसकी 2 आयत से 13 आयत तक। यह इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता हूँ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश में जिससे वे परदेशी होकर रहते थे उन्हें दे दूंगा। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे उनका कहराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इसराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकाल लूँगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊँगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैंने तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों से निकाल ले आया हूँ, और जिस देश में देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने इस जगह हम सबको इकट्ठा करा। परमेश्वर जो भी लोग रास्ते में हैं आप उन्हें सही सलामत से यहाँ पे लाइए, और परमेश्वर जब वचन हम सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर आप हमें उस आज़ादी का महत्व समझाइए परमेश्वर जो आप देते हैं। परमेश्वर उस आज़ादी का महत्व समझाइए जो हमें आपने 1947 में हमें दी, और परमेश्वर जो भी बंधन है आप उसे हमें आज़ाद कर रहे हैं। परमेश्वर जब पास्टर बोलते हैं तो परमेश्वर वचन आपके, और परमेश्वर जो हम वचन सुने वो 100% हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुने प्रभु का। आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप सबको यहां पर वेलकम करना चाहते हैं। एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हम इस दिन को जो हमारे जिंदगी में आज है उसका परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस सामने, हमारी नज़रों के सामने आ जाती हैं। और अगर इसकी सबसे पहले मेहरबानी से बैठ जाए। और इस समय मैं माइक, तो दिल्ली के बारे में मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली की हर एक सड़क पर, हर एक चौराहे पर, जहाँ पर भी हम नज़र डालते हैं, मार्केट्स के अंदर, दुकानों में, हर जगह ये तिरंगा हमारी आन बान शान का ये जो प्रतीक है, हमारे देश का जो तिरंगा है, ये सब जगह हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसी खुशी का मौका है जब हम अपनी इस आज़ादी को मना रहे हैं। और ये जो आज़ादी है, अगर हम बिब्लिकली देखें, जैसा अभी थोड़ी देर पहले पादरी साहब भी यहाँ पर अपनी स्पीच में बता रहे थे, निर्गमन के पुस्तक में से जब पादरी साहब ने पढ़ा और उनमें बताया कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया
तो उसके आगे थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज़ादी का जो पर्व है, इस पर्व में हम लोग क्यों इतने खुश हैं और इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं और हमें इतनी खुशी मनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति का एक स्वभाव है। एक जो हमारी प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति, उसका एक स्वभाव है जो परमेश्वर ने ही हमारे अंदर डाला है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मानव जाति को बनाया, आदम की रचना करी, तो उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में उसकी रचना करी। तो जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया है तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और इस समय हम यहाँ पर यह देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस समय जो है परमेश्वर जो है किसी के अधीन नहीं था, परमेश्वर खुद स्वतंत्र था, और इसीलिए परमेश्वर ने आदमी के अंदर भी, आदम के अंदर भी जो प्रवृत्ति डाली वो स्वतंत्रता की प्रवृत्ति डाली। इसलिए आदम या मनुष्य जब कभी भी किसी भी तरह की गुलामी में होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करता है, और जब उसको वो आज़ादी मिलती है उस परेशानियों से, उस तकलीफ़ों से, तो वो बहुत ज़्यादा आनंदित होता है।